कुछ क्या दर सब लॉर्ड्स, हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, अठा नहीं चाहिए, हमें जो 11 बजे तक टाइम दिया हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो, ना हम होंगे ना अठा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े हैं, यो कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। लेकिन यहाँ सर एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर बात है कि ये कहानी सुनाई नहीं, दोहराई नहीं जाती, ये कहानी बनाई जाती है और ये कहानी बकायदा हुकूमत बना रही है। आप मुझे बताएं वजीर खजाना की आपने बात की, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ पाकिस्तान के दो सियासी खानदानों की बाइक की रकम को पाकिस्तान ले आए, उनका पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा ले आए, उनके पास जितनी रकमें हैं, जितने उन्होंने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं, एक जरदारी खानदान और एक शरीफ खानदान, तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स भूखा सोता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको पाकिस्तान पर एक पैसे का भी कर्जा नजर नहीं आएगा। दरअसल मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूटने आते हैं, पाकिस्तान को लूटा लूटकर चले गए, पाकिस्तान को पाकिस्तान से खाया खाकर चले गए, ये इनका काम है, इसके अलावा इनका काम क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो आज सूरत हाल है, आप मुझे जरा पाकिस्तान की तारीख में उठा के बता दें कैसी सूरत हाल थी, क्या आटे की लाइनों में लग के लोग अपनी जिंदगी की बाजी हारते थे, क्या 45 से 50 रुपए में नान रोटी मिलती थी, क्या 3200 रुपए में आटे का थैला मिलता था? हम जरी मुल्क हैं, हमारे यहाँ पे गंदम की कमी नहीं थी, तो ये कमी कहाँ से आई बताया जाए? अफगानिस्तान गंदम सप्लाई कौन दे रहा है, स्मगलिंग कौन कर रहा है, वहां पे कौन पहुंचा रहा है? मेरे पास नाम मौजूद हैं पाकिस्तान के उन बड़े लोगों के, जिन बड़े लोगों ने इस पाकिस्तान से गंदम अफगानिस्तान पहुंचाई, जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का आम आदमी रोटी, एक वक्त की रोटी को तरस रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, मेडिसिन लोगों के पास नहीं है, बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ गए हैं, खाने के लिए एक नवाला नहीं है, घी नहीं खरीद सकते, चावल नहीं खरीद सकते, कोई चीज नहीं खरीद सकते, अब मौत सस्ती, आटा महंगा है, ढाई डॉलर पर केजी मुर्गी है, आपका प्याज डॉलर से महंगा है, और हुक्मरान जो है वो जिनेवा में जाते हैं, कितने लोग तो फौज जा रही है, जाके देखे वो कहां ठहरते हैं, उन होटलों में ठहरे हैं जिनका किराया लाखों में बनता है। चले मुझे बताएं, वजीर आजम तो चले गए, वजीर खारजा भी चले गए, बाकियों का जाना इतना जरूरी था क्या? उनके पैसे जो थे वो पाकिस्तान की कौम पे नहीं लगने चाहिए थे? साहब वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं, उन लोगों का मुकदमा जिनकी खैर लड़ने गए हैं, जिनकी पाकिस्तान का मुकदमा वाला जिनकी खैरपुर के अंदर मरियम नवाज के पास कौन सा होता है? कौन पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गया है? ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने नहीं गए, ये पाकिस्तान की दौलत को लुटाने गए हैं। राणा साहब वो उनका मुकदमा लड़ने गए हैं जिनकी सैलाब मुतासरा खैरपुर में बच्ची सर्दी की हालत में बिना छत के ठिठरती हुई नमूनिये का शिकार हुई और अब मर गई, वो उसका मुकदमा लड़ने गए। हाँ, क्योंकि इस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उसका नमूना लड़ने गए हैं, खैरपुर में बच्चियां मर जाए बट्टू जिंदा है, सिंध के अंदर लोग आटे की लाइनें कतार में ला के आटा लेते हुए मर गए लेकिन भट्टो जिंदा है, सिंध के अंदर आज भी सैलाब का पानी नहीं निकला लेकिन भट्टो जिंदा है, वहां पे सिंध के अंदर आज पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है लेकिन भट्टो जिंदा है। मुझे बताया कि ये रैली में सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, हर जगह पे ये सारा कुछ हो रहा है, खुदा का खौफ नींद को आता। अब आवाम आपको एक बताऊ, जिसका बच्चा भूख से मरेगा ना वो खुदा की कसम हुकूमत के खिलाफ निकल आएगा। मुझे अब एक इंकलाब नजर आ रहा है, किसी लीडर की किसी को जरूरत पेश नहीं आएगी, लोग निकलेंगे, अगर इंकलाब नहीं तो फिर मुल्क में कानून जो है उसको तोड़ा जाएगा, फिर मुल्क के अंदर चोरी डकैती की वारदातें होंगी, फिर मुल्क के अंदर जो है यहाँ पर लाकानूनियत हो जाएगी, इसलिए कि भूखा कौन सोएगा, किसका दिल करेगा उसका बच्चा भूखा सोए? मुझे इस पाकिस्तान में 20 नहीं, मुझे इस पूरे पाकिस्तान में 80% लोग भूखे सोते नजर आ रहे हैं, 20% लोग हैं जो रोटी खाते हैं, तो आप 20% लोग कौन है? खरबपति लोग, अरबपति लोग। मुझे बताएं कि 1 लाख रुपया सैलरी वाला क्या आज के इस दौर में गुजारा कर सकता है?
मुमकिन ही नहीं है यासर साहब, नहीं है मुमकिन। ये मौशी निजाम तो बेहतर नहीं हो रहा, ये सियासी हलचल कब तक चलेगी? सियासी हलचल मैं आपको बताऊं, सियासी हलचल मेरी आज पेशेंट को इस जेन में रखिएगा, सबसे बड़ा फैसला कुदरत करती है, कुदरत के किए हुए फैसले अटल होते हैं, जमीन पर किए हुए फैसले खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको आपका क्या ख्याल है, वो 9 बच्चों का बाप जो कल आटा लेने गया मर गया, उन बच्चों की खाएं नहीं लगेगी? ये मासूम बच्ची जो सैलाब सदगान की थी, जो बेचारी मलेरिया से दवाई न मिलने पर तरफ तरफ का सर्दी में मर गई, क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी? क्या हजारों लोग जो आज बेसरो समानी के आलम में अपने घरों की छतों के बगैर बैठे हैं, क्या उनकी बददुआएं नहीं लगेंगी? अर्श पे बैठा अल्लाह ताला जो है वो देखता है, और जालम की रस्सी दराज जरूर होती है लेकिन खींची जाती है, और यासर ये सारा कुछ होने वाला है। आपको पाकिस्तान के अंदर ठहर जाए, सिर्फ 4 से 5 दिन बाद आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा किस तरफ जाता है। आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने कि जनाब आप कोरोना शुरू हो गया, आप मुझे बताएं कौन से कोरोना की ये बात कर रहे हैं? फिर लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, फिर कोरोना के नाम पर लोगों के साथ वो काम किया जाएगा जो इंतहाई गलीज है। ये एक नई चाल चली जा रही है, और हुकूमत को, हुकूमतों को अवाम को ड्रीवर करना चाहिए, हुकूमतों को अवाम से लूट मार का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए। राणा साहब, एतमाद के वोट के हवाले से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या लगती है? चेयरमैन पीटीआई तो कहते हैं कि एतमाद के वोट का अगर उसकी गाइडलाइन देगी अदालत देगी तो हम दिलवा देंगे, एतमाद के वोट के बाद हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे, कैसे मुमकिन होगा? इंतखाबात आज मेरी बात लिख ले, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, फरवरी में नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, कबला उस वक्त इंतखाबात होंगे, और पीटीआई जो है वो 11 तारीख को अदालती फैसले के बाद मजीद आगे जाएगी, और पंजाब की असम्बली उस वक्त डिसॉल्व की जाएगी जब कप्तान को पता होगा कि इलेक्शन की डेट कहां से मिलनी है, और जहां से इलेक्शन की डेट मिलनी है वहां से राबते जो है किसी तरफ से शुरू हो चुके हैं। और आप जहन में रखिएगा, ये जो जनेवा गए हैं ना, ये पाकिस्तानी कौम के लिए टैक्सों का तोहफा लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम के लिए उन पर एक खुदकश टैक्सों का, महंगाई का बम गिराने वाले हैं, और उस बम के बाद आपको नजर आएगा कि इनके सहूलतकार हो, इनके सरप्रस्त हो, इनके चाहने वाले हो, सब इन्हें छोड़ जाएंगे, और आखिर आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बगैर किसी सूरत में इस पाकिस्तान की इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मौजूद नहीं है।